आज आप लोगों को जो है पराक्रण और पराक्रण का पूरण के बारे में पढ़ाएंगे। पराक्रण पराक्रण या माइक्रोस्पोर पराक्रण या लघु बीजाणु, इसे बोलते हैं पोलिंग्रेन। पोलिंग्रेन आर माइक्रोस्पोर माइक्रो। देखिए पराक्रण या लघु बीजाणु, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि आखिर में पराक्रण है क्या। देखिए बच्चों पराक्रण जो है नर युग्मकोद्भिद, जिसे कहते हैं मेल युग्मकोफाइट, प्रथम कोशिका है। पराक्रण जब पराकोष फटता है तो पराकोण पराक्रण जो है निकलता है बाहर पराकोष से, तो अब दो केंद्र की होता है, एक केंद्र की दो, एक केंद्र जो बड़ा है उसे कहते हैं वर्धी केंद्र, जो छोटा सा है उसे बोलते हैं जेनेटरी केंद्र। तो द्वि केंद्र के करीब लगभग 60% एंजियोस्पर्म में पराक्रण जो है पराकोष से जब बाहर आता है तो द्वि केंद्र की होता है, और जान लीजिए 40% में जो है त्रिकेंद्र के। तो अब देखिए पराक्रण, हमने बताया पराक्रण क्या है, पराक्रण का अंकुरण इसी में आपका है। पराग कण का अंकुरण इसे कहते हैं पोलन कैसे होता है। तो सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं पराक्रण के बारे में। तो पराक्रण जो है द्विस्तरीय संरचना है, पराक्रण जो है द्विस्तरीय संरचना है, बाहर की परत जो कटेरी है एग्जाइन, अंदर की जो परत है इंटाइन। आप देख रहे हैं पराक्रण जो है दो परतों से कवर्ड है, वाह परत है एग्जाइन जिसे बोलते हैं वाह भित्ति, अंत परत है इंटाइन। इसके पराक्रण जो है दो भाग में बटा होता है, ऊपर जो है बड़ा कोशिका केंद्रक है, नीचे छोटा।
ए है, इसे कहते हैं वर्धी केंद्र, वर्धी या ट्यूब केंद्र, वर्धी केंद्र। नीचे का जो है जनरेटिव या जन्म केंद्र, जन्म केंद्र, इसे कहते हैं ट्यूब केंद्र।
यह जो पराकण है द्वि केंद्र की अवस्था में पराकण क्रिया होती है, यानी कि किसी स्त्री के सिर के अधिकार के ऊपर पराकण पड़ता है, वो आपको फोन देता है। फिर इसका जो दोनों केंद्रक हैं, जैसे नीचे का आपका जो है छोटा वाला है जनरेटिव, यह दो केंद्र में पड़ जाता है, यह जो है दो बनाता है मेल गेमिट, टू मेल गेमिट्स। और जो आपका वर्दी है या ट्यूब न्यूक्लियस आपका जो है, इस तरीके पराकरण का अंकुरण हो जाता है और परागनली के माध्यम से मधुमक पहुंच जाते हैं बीजाण द्वार के माध्यम से माता युग्म के पास, और जनन क्रिया जो है एंजियोस्पर्म के पादपों में पूरी हो जाती है। तो ये तो रहा, अगर आपको आता है पराक्रम क्या है आप बता देंगे। पराक्रम जो है जैसे बताया कि यह नर कुद्रित की या मेल ब्रोंकोफाइट की स्वयं कुछ क्या है, यह जो है पराक्रम के फटने से बाहर आता है या द्वि केंद्र की होता है, पराक्रम जो है दो स्तर से कवर्ड होता है, वाह को बोलते हैं एग्जाइन, अंतर को एग्जाइन करके भी आता है, दोनों भीत किसकी बनी होती हैं, वाय बनी होती है इस पेरोलियम की, अंजलि जो है वे आपका पेक्टिन सेलुलोस निर्मित होती है। ठीक है, तो अगर आता है आपको जो है जनरेशन तो आप जनरेशन बता दीजिएगा। अब देखिए इसमें पराक्रमण अगर आप लोग जो है अध्ययन करेंगे तो अलग अलग पादपों में जो पराक्रमण है वह अलग अलग आकार में आपको दिखाई पड़ता है ना। अब देखते हैं पराक्रमण की लाइफ क्या होती है। तो पराक्रमण जो है किसी में 30 मिनट और किसी में महीनों तक है। अब देखिए महीनों में आप लेग्यूम के पादप चले जाइए है ना, तो उसमें जो या गुलाब गुलाब के जो पादप हैं इसमें जो पोलन है यह महीनों तक जो है सेफ रहता है। जो पादप जो है जैसे मोनोकाट में आपके हैं इसमें कुछ के बहुत मिनट 30 मिनट की सी लाइफ होती है। अब आप देखिए कि अच्छा पराक्रमण जो है को कृत्रिम तरीके से क्योंकि अभी जो बताया आपको कि कुछ पराक्रमण ऐसे हैं पादपों के जो कि महीनों से रहते हैं और कुछ के जो है 30 मिनट, ये तो नेचुरली व्यवस्था है। और इसी तरीके जो है कृत्रिम तरीके से पोलन को जो है काफ़ी समय तक संरक्षित किया जा सकता है। जैसे आप लोग देख रहे हैं, हम लोग देखते हैं कि वेटनरी में जैसे कृत्रिम गर्भाधान है उसमें स्पर्म को जो है सेव किया जाता है और गर्भाधान की प्रक्रिया जो है अपनाई पूरी की जाती है, तो उसको भी उसकी भी टाइम है नेचुरली कि स्पर्म जो है नेचुरल तरीके से कितने समय तक सेफ रहेगा। लेकिन जो आर्टिफिशियल तरीका है उसमें एक सिस्टम है, जैसे आप पोलन ग्रेन है तो पोलन ग्रेन को आपको सेफ करना है तो नाइट्रोजन तरल माध्यम में जो है -196 डिग्री सेंटीग्रेड पे पोलन को जो है सेफ रखते हैं। इसी तरीके जो स्पर्म है मेल में मैन में इसको भी सेफ किया जाता है। तो यहाँ बच्चों आप समझ गए हैं कि पराक्रमण जो है जहाँ जिस पादप के हों नेचुरल तरीके से उसकी टाइम अवधि कम है, जैसे बताया गुलाब वगैरह फूल में या लेग्यूम फूल वगैरह में महीनों तक पोलन ग्रेन जो है सेफ रहते हैं, कुछ में जो है 30 मिनट उसकी लाइफ होती है। लेकिन कृत्रिम तरीके से सीमेन बैंक की भांति जो है पोलन बैंक भी है जिसके द्वारा पराक्रमण को सेव करते हैं और आवश्यकता पड़ने पर जो है पोलेशन क्रिया कराई जाती है और नए पौधे तैयार किए जाते हैं। इसके साथ साथ जो है पराक्रमण जो है और यूज है,
पराकण जो है यहाँ पोषण भी प्रदान करता है प्लेयर वगैरह जो है इसका यूज करते हैं। तो इसके साथ साथ जो है इसमें पोषक तत्व होते हैं। तो पराकण भाई बहुत से ऐसे प्राणी हैं, कीट हैं, पक्षियां हैं जो पोषण भी उनको भी खाते हैं। तो पराकण जो है एक न्यूट्रिएंट के रूप में भी यूज होता है। तो आज हमने आपको बता दिया कि पराकण क्या है, साथ साथ और पराकण का गुण कैसे होता है, और पराकण को जो है नेचुरल तरीके से कितने समय तक सेव करते हैं, और पराकण को जो है आर्टिफिशियल तरीके से कितने समय तक सेव करते हैं।